का। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है, चंडीगढ़ से बड़ी खबर। स्कूल खोलना बंद करना फायदे नुकसान का मुद्दा नहीं है, कोरोना को देखते हुए पहले भी स्कूल लेट बंद किए गए थे। आज भी संकट बढ़ने पर स्कूल बंद किए गए हैं तो शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया आई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से स्कूलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है, कई जगहों पर स्कूलों की मनमानी देखने को मिली है। ऐसे में शिक्षा मंत्री की ये प्रतिक्रिया अहम हो जाती है। स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री का चंडीगढ़ से ये बयान आया है कि स्कूल खोलना बंद करना फायदे नुकसान का मुद्दा नहीं है, कोरोना को देखते हुए पहले भी स्कूल लेट बंद किए गए थे, आज भी संकट बढ़ने पर स्कूल बंद किए गए हैं, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। आपको बड़ी खबर देना है, तय करेंगे परीक्षा ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी। परीक्षा को लेकर भी उन्होंने स्थिति को साफ नहीं किया, उनका कहना है कि समय बताएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या फिर ऑनलाइन होंगी। स्कूल खोलना बंद करना फायदे नुकसान का मुद्दा नहीं है, ये कहना है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। कोरोना को देखते हुए पहले भी स्कूल लेट बंद किए गए और आज भी संकट बढ़ने पर स्कूलों को बंद किया गया है, तय करेंगे परीक्षा ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी। ये